इंडियन एक्सप्रेस पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमी तालीवाल लैके हाजिर हूं तुहाडे लिए इस वेले दा बुलेटिन। बुलेटिन का आगाज करन कुछ वड्डियां ते चोणवीआं खबरां दे नाल। शुरुआत करदे हां इक वड्डी खबर दे नाल जो अमृतपाल दे नाल जुड़ी हुई है। जो अमृतपाल दे मामले ते हाई कोर्ट करेगा सुनवाई, तां तुहानूं दस दईए हैबियस कॉर्पस जिहड़ी आ पटीशन ते सुनवाई होवेगी। तां अमृतपाल दे वकीलां वल्लों पटीशन पाई गई सीगी, तां इस नूं लैके पटीशन जिहड़ी आ उपाय गई सी, सुनवाई जिहड़ी अज होवेगी। अमृतपाल का यह मामला तुहानूं दस दईए कि अमृतपाल पकौड़ा चल रहा अजे भी काफी लंबे समय तो, उसका साथी पप्पलप्रीत जिहड़ा आ वह गिरफ्तार हो गया है। तो इस तों बाद जिहड़ा यह पटीशन जिहड़ी आ पाई गई सी, पहलां भी इस ते सुनवाई जिहड़ी आ होई है। इस पूरे मामले से साडे सहयोगी अमनप्रीत साडे नाल जुड़ चुके, जानकारी लवेंगे। तो अमन, अमृतपाल के मामले लैके अज कोर्ट के विच जिहड़ी आ सुनवाई होवेगी, की कहना चाहोगे पूरे मामले से? जी अमन, सुन पा रहे हो? उन्होंने एडवोकेट वालों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के विच मामला जिहड़ा दर्ज किया गया सी। हालांकि जो पहली सुनवाई की अगर गल की जाए तो पंजाब सरकार ने कितने ना कितने कहा गया सीगा कि आखिर अमृतपाल किथे चला गया, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की गल कही गई थी। तो हुण पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विच हालांकि पंजाब सरकार वालों पहला ही स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। तो सारे जिन्हें भी केसिस थे, चाहे वो हैवी कॉर्पस का केस सीगा जिदे विच उन्हां दे एडवोकेट वालों पाया गया, हालांकि अमृतपाल के एडवोकेट को काफी फटकार लगाई गई थी हाई कोर्ट वालों। तो सारी केसिस नूं क्लब कर दिता गया सी। तो अज जे अगर मामले की गल की जाए तो अज कोर्ट के विच सुनवाई होगी। तो पंजाब सरकार वालों जिहड़ी लेटेस्ट अपडेट है जिवें कि पप्पलप्रीत नूं जिहड़ा कि तहत गिरफ्तार करके डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, तो अज कोर्ट के विच ये जवाबनामा दाखिल पंजाब सरकार वालों किया जा सकता है। हुण देखना यह रहेगा कि पंजाब सरकार के जवाबनामे तो बाद कोर्ट का किस तरीके का रुख रहता है, अमृतपाल के एडवोकेट किस तरीके की दलील अज कोर्ट के विच रखते हैं। अमन, जे गल की जाए कल जड़े पप्पलप्रीत का एक बयान सामने आया, उसकी गिरफ्तारी के बाद पहला बयान जोड़ा उसका सामने आया सी। उसने उस कहा कि पुलिस के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी जी कल हुई आ। बहुत सारे लोगों के वलों सवाल भी चुके जा रहे हैं पूरे मामले में। जे देखा जाए जे अमृतपाल की गल की जाए, अमृतपाल की लगता कि हुण जी पुलिस के हाथों के आ जाएगा, पुलिस की पकड़ के आ जाएगा, जे पूरे मामले की गल की जाए तो किमें देखते उस? पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पप्पलप्रीत उस शख्स है जिसने कि अमृतपाल के लिए सारी प्लानिंग तय की थी। पंजाब के खालिस्तान की मांग को लेकर लगातार पप्पलप्रीत पहला भी काम करता रहा है, जिसको लेकर उसके पर कई पहला भी मामले दर्ज हुए हैं, चाहे वो अकाली सरकार के समय के हो चाहे फिर उस तो बाद होते रहे। सो हुण पप्पलप्रीत अमृतपाल को एक तरीके दे नाल, इस तरीके दे नाल उसने जिहड़ा एक रूपरेखा उसकी बनाई थी, इस तरीके का उसको चीजा वो प्रवोक करता थी कि खालिस्तान बनाना है। सो पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी बड़ी अहम थी क्योंकि उही स्ट्रैटेजी तैयार करता थी कि किवें किवें उन्होंने अगे जाना है, किस तरीके दे नाल कित्थे स्टे करना है। हालांकि पप्पलप्रीत एक गल जरूर कह रहा है कि 29 तारीख को अमृतपाल से पप्पलप्रीत अलग हो गए थे, तो हुण उसको अमृतपाल के बारे कोई जानकारी नहीं है। जाहिर है कि जानकारी की गल की जाए तो कितने ना कितने दोनों का कॉन्टैक्ट उन्होंने क्योंकि उन्होंने पता है कि फोन कॉल ट्रेस हो रहे हैं, तो किसी भी तरीके का कोई भी अजिहा क्लू नहीं दोनों रखना चाह रहे थे कि जिस तो कि पता लग सके। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि पप्पलप्रीत से ही अमृतपाल की अगे की प्लानिंग पूरी तय करके ही अमृतपाल को अलग जगह से और खुद अलग होके गया थी। तो बेशक पप्पलप्रीत जो भी कहता रहे कि उसको अमृतपाल के बारे नहीं पता है, लेकिन प्लानिंग के पप्पलप्रीत वालों भी जी तैयार की गई जो मिली जानकारी है, जो एजेंसी का भी और पुलिस का भी मानना है। तो हुण अमृतपाल की गिरफ्तारी लेकर डीजीपी वालों लगातार जिहड़ा कि हुण चैकिंग की जा रही, क्योंकि एक वड्डा पंथक इकट्ठ होने वाला है, जिस तरीके नाल विसाखी है एक प्रोग्राम है, इसको लेके कल बीते दिन भी डीजीपी वालों भी आनंदपुर साहिब का पूरा जायजा लिता गया। एक हर थान के उपर जिहड़े कि चैकिंग की गई है, फोर्सिस जिहड़ियां कि पंजाब पुलिस अलग तैनात की गई है और दूसरी फोर्सिस अलग तैनात की गई, ताकि क्योंकि शक यह है पुलिस नूं कि कितने ना कितने अमृतपाल जो है विसाखी का फायदा चकता होया किसी भी वड्डे गुरुद्वारे दे विच पनाह ले सकता है, जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस बड़ी तेजी के उपर है, इसीलिए चप्पे चप्पे के उपर तैनाती बढ़ा दी गई है, चेकिंग बढ़ा दी गई है, फोर्सिस तैनात कर दी गई है और एक शख्स जिहड़ी
की भाल और जांच की जा रही है क्योंकि एक वड्डा हुण इकट्ठ होने वाला है, चाहे दमदमा साहब की गल की जाए, आनंदपुर साहब की गल, जिन्हें भी तख्त ने उठे वड्डे प्रोग्राम उलीके जाने हैं, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी है जी पंजाब पुलिस वालों। टारगेट सिर्फ है कि किस तरीके अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमन जानकारी देने तो अज कोर्ट के हैबियस कार्पस जी पटीशन जी पाई गई थी, हैबियस कार्पस जी पटीशन जी पाई गई थी उससे अज सुनवाई होगी। पहला भी सुनवाई जी हो चुकी है, हुण अज जिहड़ा देखना होगा कि इस पर सुनवाई होने तो बाद कोई फैसला आएगा कि किस तरह की जी चर्चा रहेगी, किस तरह की बहस जी देखने मिलेगी। तो जी पटीशन जी दायर की गई थी अज जिहड़ा उससे सुनवाई होगी अमृतपाल के मामले, तो हाई कोर्ट के सुनवाई है।